करंट अफेयर सो गाइज चले आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स पे तो नेशनल अफेयर्स पे क्या है कि माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इन मन की बात तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मन की बात में माई लाइफ माई योगा किए हैं उसमें क्या है गाइस इसकी द कॉन्टेस्ट बींग ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आई ये दोनों मिलकर ये कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे और द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट वेयर इन द विनर विल बी पिक्ड विद इन अ कंट्री विच विल बी फॉलोड बाई ए ग्लोबल प्राइज विनर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज तो दो पार्ट में है तो पहले तो इंटरनेशनल है और एक विद इन द कंट्री है नेशनल है तो टू एंटर इन टू द क्वांटे ऑफ पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर टू अपलोड थ्री मिनट वीडियो ड्यूरेशन ऑफ थ्री योगा प्रैक्टिस तो तीन मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा तीन योगा प्रैक्टिस का देख लीजिए ये सब ये तीन है क्रिया आसन प्रणायम और बंदना और मुद्रासन इंक्लूडिंग अ शॉर्ट वीडियो मैसेज ऑन हाउ टू हाउ द योगिक प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस द लाइफ और एक शॉर्ट मैसेज कैसे कि योगा आपको इन्फ्लुएंस करा लाइफ में प्राइसिस के बारे में जान लेते हैं तो इंडिया का कॉन्टेस्ट में जो होगा इंडिया विद इन इंडिया उसको फर्स्ट प्राइज को मिलेगा एक लाख रुपए फिर दूसरे को पचास हजार और पच्चीस हजार रुपए मिलेगा थर्ड प्राइज को और डिटेल ग्लोबल प्राइस का बाद में होगा अनाउंस तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में जान लेते हैं तो ये फाउंड हुआ था दो में और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट क्या है श्रीपद यशो नायक सेकेंड न्यूज पे चलते हैं गाइस तो रविशंकर प्रसाद जो है हमारे लॉ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर है लॉन्च इंडिया इंटेलिजेंट पोर्टल एंड लॉन्च रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यू तो दो चीज लॉन्च हुआ है पहले तो ये हुआ है, ए आर्टि, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पोर्टल लॉन्च हुआ, हुआ है और एक और एक रिस्पॉन्सिबल ए आई यूथ हुआ है लॉन्च तो क्या देखते हैं तो रविशंकर प्रसाद लॉन्च एन इंडियन नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी पोर्टल तो इंडिया सॉरी आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस पोर्टल फिर से कर लेते हैं रविशंकर प्रसाद लॉन्च इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कॉल्ड www.ai.gov.in एंड लॉन्च्ड अ एंड लॉन्च नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एक नेशनल प्रोग्राम यूथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ ये दोनों चीज लॉन्च हुआ गया है डरिंग द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द सेकंड टेन ईयर ऑफ द गवर्नमेंट सो सेकेंड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट शुरू हो चुका है पीएम मोदी का तो उसके मौके पर यह दो चीज लॉन्च हुआ है तो जानते हैं ये पोर्टल के बारे में क्या है तो पोर्टल के बारे में क्या पोर्टल विल वर्क एजॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ए आई रिलेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया विदोर्सेज सच एस आर्टिकल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड ए आई रिसोर्स कंपनीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू ए आई इन इंडिया ये पोर्टल ये काम करेगा और जान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ ये क्या है अबाउट रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ तो एमिंग एम ऑफ द प्रोग्राम क्या है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन यूथ स्टूडेंट एम्पावर देम विद अप्रोप्रिएट न्यू न्यू एज टेक माइंड सेट तो न्यू एज टेक माइंडसेट रिलोवेंट ए आई स्किल सेट एंडवायर ए आई टूल सेट टू मेक देम डिजिटली रेडी फॉर फ्यूचर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन थॉट प्रोसेस एंड क्रिएट फॉर द डिजिटल डिवाइड तो ये दोनों है पोर्टल <coughs> और एक रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ लॉन्च हुआ है थर्ड uh, पे आ जाते हैं नेशनल न्यूज पे तो इंडिया टू यूएसडी फिफ्टी सिक्सटी बिलियन वर्थ ऑफ कार्बन क्रेडिट कैन बी अचीव्ड इफ इट प्रोपोगेट्स एग्रो इकोलॉजी नीति आयोग नीति आयोग का यह कहना है

एंड एग्रो इकोलॉजी वाइज सजेस्टिंग एडॉपशन ऑफ इनोवेटिव फार्मिंग मेथड बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ड्यूरिंग वर्चुअल हाई लेवल राउंड टेबल एग्रो इकोलॉजी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर तो ये ये बता रहे हैं कि पचास से साठ बिलियन वर्थ कार्बन क्रेडिट हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर ऐसा नेचुरल फार्मिंग किया जाए और एग्रो इकोलॉजी इस्तेमाल किया जाए तो आगे देखते इसके बारे में तो की पॉइंट क्या है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अकाउंट फॉर फोर्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल लैंड सर्फिस ठीक है तो फोर्टी द ग्लोबल ग्लोबल लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है एंड एंड इट इज इज फॉर ऑफ द प्रोजेक्टेड लॉसिज इन ट्रियलडाइवर्सिटी चालीस परसेंट लैंड सर्फिस करता है और सत्तर परसेंट लॉस भी दे देता है बायोडाइवर्सिटी को वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस आर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो एक एक ग्रीन हाउस गैस जो निकलता है पोल्यूशन वो ह्यूमन एमिशन एग्रीकल्चर भी उसमें विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ द टोटल एमिशन तो जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर से आता है जैसे इंटेंसिव फर्टिलाइजर यूसेज हो गया डिफोरेस्टेशन हो गया नेगेटिव इंपैक्टिंग द वेल बींग ऑफ एटलीस्ट थ्री पॉइंट टू बिलियन पीपल तो नोट कीजिएगा कि सिक्किम बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड एंड रिसीव दू एन फ्यूचर पॉलिसी ग्लोड गोल्ड अवार्ड दो हजार अठारह में मिला था इंपॉर्टेंट तो है स्टार्टिंग न्यूज है कार्बन क्रेडिट तो है क्या तो इट इज अ ट्रेडेबल परमिट और सर्टिफिकेट दोवाइड द होल्डर ऑफ द क्रेडिट द राइट टू एमिट वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एन इक्वेलेंट ऑफ अनादर ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन क्रेडिट वो है कि जो ये क्रेडिट होल्ड करता है उसको पास अनुमति है कि वो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर सके तो एम क्या है इसका तो रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बैंकिंग और फाइनेंस में जाते हैं तो सेबी एक्सटेंड डेडलाइन ऑफ पावर ऑफ एटोर्स ऑगस्ट वन ट्वेंटी ट्वेंटी तो सेबी एक्सटेंड किया पावर ऑफ एटोर्नी नॉम स्टिल 1 अगस्त 2020 ट्वेंटी तो जानते हैं क्या है ये पावर ऑफ अटोर्नी नॉर्म्स तो वॉट इज पावर ऑफ अटोर्नी तो इट इज अ डॉक्यूमेंट अलाउिंग एन इंडिविजुअल और और एंटिटी टू अपॉइंट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग द फॉर्मर्स प्रॉपर्टी फाइनेंस और मेडिकल अफेयर इफ ही शी इट बिकम्स अनएबल टू डू सो तो यह है ऐसा कुछ नॉर्म्स होते हैं तो उसको नॉर्म्स को बढ़ा दिया गया एक अगस्त 2020 तक तो सेबी के बारे में जान लेते हैं तो एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 को इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 एक्ट हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र चेयरमैन क्या है अजय त्यागी इकोनॉमी और बिजनेस में जाते द बोर्ड ऑफ बीई अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू विद एम एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो ये बीई और एम क्या है तो बोर्ड ऑफ बी ई एम एल दैट इज फॉर्मर कै भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इन इी हंड एंडस मीटिंग हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग एम ओ यू विद सी ओ टू स्टडी एंड प्लानिंग फॉर इनिशिएटिंग जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन बी ई एम एल सी एंड एम एल सी ओ दिस अप्रूवल इज वन ऑफ द लाइन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ बी ई एम एल रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैन्यूफैक्चरिंग पार्टनरशिप अंडर मेक इन इंडिया पॉलिसी तो ये जो भारत अर्थ मूव है ये एम ओ यू साइन किया है एम ई एल सी ओ से और एम ई एल सी ओ क्या है तो ये देख लीजिए एम एल सी ओ क्या है इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ठीक है ये है ये टोकियो जापान का है, हेडक्वार्टर है तो इससे एम ओ यू और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन किया है जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो मेड इन इंडिया के थ्रू पॉलिसी है आगे बढ़ते हैं एक्विजिशन और मर्जेस को देख लेते हैं तो यस बैंक पिक्स 24.19 परसेंट स्टेक तो ये पूछता कभी कभी कितना परसेंट स्टेक एक्जैक्ट नंबर पूछ देता है तो ट्वेंटी फोर पॉइंट वन नाइन परसेंट स्टेक इन डिश टीवी बाई इन वोकिंग प्लेज शेयर ठीक है बैंक मुंबई महाराष्ट्र प्रशांत कुमार टैगलाइन क्या है एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज अबाउट डिश तो नोएडा और उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर अनिल दुआ इनके सीईओ हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं तो स्विज लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट ऐप स्विज कोविड तो ये इंपॉर्टेंट है स्विज लॉन्च स्विज कोविड विद एक्सपोजर नोटिफिकेशन ए पी आई फॉर एप्पल एंड गूगल तो इसके बारे में जानते हैं कि एपीआई है क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है एपीआई तो डेवलपर टीम ऑफ स्विस फेडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड स्विस कोविड फर्स्ट ऑफ इट काइंड ऑफ अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप है ये यूटिलाइजिंग द एक्सपोजर नोटिफिकेशन दैट इज और तो ये एक अप्रोच है जिससे पता चलेगा कि स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस कहा हुआ है कैसे हुआ है तो ये स्विट्जरलैंड से बनाया हुआ द्वारा बनाया हुआ नासा एस्ट्रोनॉट डॉक इंपॉर्टेंट न्यूज है तो नासा एस्ट्रोनॉट है वो डॉक स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट विथ आइसिस तो क्या न्यूज जानते हैं कि नासा एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेनकन एंड हर्ली ये दो जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे उनको स्पेस के द्वारा आइसिस भेजा गया दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ये दो दो लोग जो काला ब्लैक टी शर्ट में बैठे हुए वो लोग हैं जान लेते हैं नाइन के बारे में तो स्पेसएक्स एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है और फैल्कन नाइन उसके रॉकेट है विथ ड्रैगन

चला जाता था। लेकिन फाल्कन 9 रियूजेबल रॉकेट है ये वापस गिरता है अटलांटिक ओशन में और इसको फिर यूज कर सकते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फाल्कन 9 और द ओनली स्पेसक्राफ्ट कैपेबल ऑफ कैरिंग 9 7 अप टू 7 पैसेंजर टू एंड फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट एंड द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टेक HUMANS टू स्पेस स्टेशन ठीक है ये है एंड द एस्ट्रोनॉट नेम दिस स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल एनडेवर्स तो ये अब아서 तो नाम इसका क्या है ड्रैगन है ड्रैगन कैप्सूल लेकिन वो उसके जो एस्ट्रोनॉट थे उसको एंडेवर नाम दिया है और ये पहला प्राइवेट कंपनी है जो एस्ट्रोनॉट को अर्थ पे अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर स्पेस में ले गया है कर्नाटका लॉन्चेस कोविड 19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड बाय नेस्कॉम तो ये अगला न्यूज है तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम का फॉर्म है

आगे बढ़ते हैं तो एनवायरमेंट पर जाते हैं तो रिसर्चेज ऑफ सेंट्रल मरीन फिश इंडस्ट्री ठीक है हैव फाउंड अ रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश इन गल्फ ऑफ मनार तो ये फिश डिस्कवर्ड हुआ है गल्फ ऑफ मनार में स्कॉर्पियन रेयर स्कॉर्पियन नेक्स्ट हैं मिलीपीडी लाइक क्रीचर कैम पेकर ओबनेसिस ठीक है नाम देख लीजिएगा आप थोड़ा ही आप मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल तो ये रिसर्च के द्वारा पता किया कि ये क्रीचर वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन एनिमल है तो क्या है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पब्लिश इन द जर्नल हिस्ट यदि स्कॉटलैंड में जो इसका खोज हुआ है बायोलॉजी फ्लोसिस मिलीपिडी लाइक रियन पीरियड क्रीचर कॉल्ड कैमपेरिस ओबनेसिस अप्रोक्सीमेटली चार सौ पचास मिलियन ईयर पहले इज अन ऑन द आइलैंड ऑफ केरेरा इन स्कॉटिश इनर हर्बराइड दॉटलैंड में स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तो द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलैब किया है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से कि फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म खेलो इंडिया ई पाठशाला ठीक है तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया ई पाठशाला तो कौन कौन को किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अभी टूडीज में जाते हैं तो वाजिद खान हमारे इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर का डेथ हो चुका है कोविड 19 और इनको किडनी डिजीज़ के कारण तो ये एक मेजर ब्लो है इंडिया के लिए कोविड नाइन्टीन के चलते साजिद वाजिद जो भी पॉजिटिव पाए गए थे और प्लस किडनी डिजीज भी थे इसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो अमेरिकन स्प्रिंटर बॉब बॉबी मोरो पांच डॉवे ट्वेंटी फोर तो ये अमेरिकन स्प्रिंटर थे बॉबी मोरो इम्पॉर्टेंट डेज पे जाते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे जून वन को सेलिब्रेट किया जाता है जून वन को और इसका थीम है ट्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल डे इसका थीम ही यही है ठीक है थर्टी फर्स्ट मे को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है थीम क्या था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज ट्वेंटी नाइन्थ मे को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और ट्वेंटी एथ मे को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू गाइज थैंक यू